हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। हाँ दोस्तों, मैं विंदर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। आप कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो नेट बैंकिंग, किस तरीके से आप ऐप्स को डाउनलोड करोगे। अगर आपके पास अगर अकाउंट ऑलरेडी ओपन किया हुआ है आपने, अगर ओपन नहीं किया हुआ है तो मैं उसका वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देता हूँ। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस तरीके से अकाउंट ओपन किया जाता है जीरो बैलेंस से, तो वो वीडियो पूरा देख लें। पहले अकाउंट ओपन कर लें, उसके बाद CRN नंबर मिलने के बाद में आप किस तरीके से नेट बैंकिंग यूज करोगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको टाइप करना होगा जना मोबाइल, और कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। इसको इंस्टॉल कर लें, 6 MB का ज़्यादा बड़ा नहीं है। जैसे कि हमने इंस्टॉल कर दिया है यहाँ पे डाउनलोडिंग, तो यहाँ पे कुछ ही वेट करना पड़ेगा आपको। और थोड़ा नेट अगर स्लो होगा तो कुछ टाइम लग सकते हैं, 4 से 5 मिनट। बाकी अगर फास्ट नेट होगा आपका, पर 800 KB या 1 MB की स्पीड होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट या 30 सेकंड 35 सेकंड लगेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। जो कि यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। तो ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने के तो यहाँ पे ये हमें स्क्रीन पे यहाँ पे मिल जाएगा, देखते हैं, थोड़ा वेट करते हैं। हम स्क्रीन पे आ चुके हैं, वो डाउनलोड हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए जना बैंक मोबाइल ऐप वाला जो नेट बैंकिंग, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड होने के बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पे कुछ ओपन होने देते हैं। इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। तो वेरीफाई कार्ड डिटेल, तो अगर कार्ड का मतलब ये है कि आपके पास अगर ATM कार्ड, ATM को डेबिट कार्ड भी कहा जाता है, तो अगर आपके पास वो, तो यहाँ पे आप नंबर डाल दें। अगर हमारे पास वो नहीं तो हम क्या करेंगे, CRN नंबर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं अपना। और उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले नाम डालना होता है। नाम किस तरीके से डालना, आपको यहाँ पर लिखा हुआ है यू हैव, फर्स्ट 4 लेटर होंगे आपके नाम के, उसके बाद एज शो इन योर बैंक रिकॉर्ड अलाउ, डेट ऑफ बर्थ कुछ इस तरीके से लिखना होगा। अगर डेट ऑफ बर्थ आपका है तो आपको कुछ इस तरीके से टाइप कर देना होगा। तो हम लिख देते हैं अपना, यहाँ पे नाम टाइप कर देते हैं BN, और उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ है जो 05795। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से आ चुका है। तो हम इसको क्रिएट पिन पे कर देते हैं, क्रिएट पिन पे कर देंगे। कुछ इस तरीके से आपको लिखना होगा जैसे कि हमने लिखा है। क्रिएट पिन पे करने के बाद में यहाँ पे MPIN जनरेट करना होगा आपको। आप 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हो, आपके ऊपर है आप किस तरीके से करना चाहते हो। नीचे कर लें दोबारा से कन्फर्म करने के बाद में आपको आई एग्री टर्म कंडीशन, इसको एग्री करना पड़ेगा। जो टर्म कंडीशन होती है इसको एग्री कर लें। करने के बाद सबमिट पे ओके कर दें। सबमिट पे ओके करने के यहाँ पे एक मोबाइल पे OTP आ जाएगी जो हमारे मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है। तो कुछ इंतज़ार करते हैं, OTP आएगी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास OTP अभी नहीं पहुंची है। तो OTP अब आ चुकी है, तो ऊपर OTP आई है जो हम उसको टाइप कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं और सबमिट के ऑप्शन पे ओके कर देते हैं। सबमिट के ऑप्शन ओके करने के बाद में थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट पेज पर हम पहुँच जाएँगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ चुका कि सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर मोबाइल बैंकिंग, तो प्लीज़ इंटर MPIN। तो हम सबसे पहले MPIN डाल देंगे अपना, जो हमने अभी MPIN बनाया है अपना। तो MPIN डालने के बाद में ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद में यहाँ पे कुछ इसी तरीका होगा, स्मार्ट बजट एक्सपेंस मैनेजमेंट स्टार्ट ना हो या लेटर पे कर दें। और उसके बाद में यहाँ पे आप चेक कर रहे होंगे, देखिए हमारा दिख रहा है यहाँ पे सभी बैलेंस। यहाँ पे हेलो बिंदर मेरा नाम आ चुका है, और सेविंग अकाउंट करंट है DIGI वाला है, और यहाँ पे जो CR नंबर दिख रहा है यहाँ पे बैलेंस 0 है। और उसके बाद यहाँ पे लोन डिपॉजिट पे जाके आप चेक कर सकते हो हमने क्या क्या डिपॉजिट किया हुआ है, और उसके बाद लोन पे जाके कुछ यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू स्टेटमेंट पे जाके आप अपने जितने स्टेटमेंट है वो चेक कर सकते हो कब से कब तक का, और उसके बाद सबमिट कर सकते हो। और हम थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे चलने के बाद में यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऊपर लिखा हुआ है स्मार्ट बजट, तो इसको हम ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो, आपका अकाउंट है उसको यहाँ पे शो हो जाएगा, डैशबोर्ड चेक कर सकते हो, और यहाँ पे बजट है उस पर ओके करके बजट को चेक कर सकते हो, सेव कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड न्यू बजट यहाँ पे ये कर सकते हो। उसके बाद आता है कि
ओपन डिपॉजिट, तो ओपन डिपॉजिट पे ओके करके आप चेक कर सकते हैं कि रेगुलर एफडी यहाँ पे लिखा है कम्युनिटी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। अगर आप इसको एफडी कराना चाहते हो तो आप एफडी भी करा सकते हो। उसके बाद फंड ट्रांसफर पे जाएंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन है फंड पे जाने का मतलब सबसे बड़ा है जो यहाँ पे आपको करना क्या होगा, सबसे पहले ओनर अकाउंट, ओनर आपका खुद का है तो आप उसको यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं है तो वो आपके ऊपर है, यहाँ पे लिखिए ओनर पेज या जना स्मॉल या अदर बैंक, तो यहाँ पे ये सब सारे ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। उसके बाद फंड ट्रांसफ़र पे दोबारा से आते हैं, अदर जना बैंक है तो यहाँ से आप इसको जना बैंक पे ही बैक टू होम पे जा सकते हैं। और यहाँ पे ऐड पे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऐड करेंगे, अगर हमारा जना बैंक है तो जना बैंक की डिटेल्स डालेंगे, अदर है तो अदर की आप किस इस तरीके से डालेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका अकाउंट नंबर है तो एक अकाउंट नंबर आप चूज कर लें यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद रिटाइप कर दें, टाइप करने के बाद में यहाँ पे आईएफएससी कोड डाल दें, आईएफएससी कोड आपको डालने के बाद में यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे सर्च आ जाएगा। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखना आपको कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, और यहाँ पे पर्सनल डिटेल आपका नाम क्या है अपना नाम डाल दें, और यहाँ पे निक पेन नेम आप कुछ डाल सकते हैं अपना डालना चाहते हैं तो आपका जो नाम हो, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दें, यहाँ पे ईमेल डाल दें, और यहाँ पे फेवरेट अगर फेवरेट है तो वो यहाँ पे कंफर्म पे कर दें, कुछ इस तरीके से हम कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे देखिए, और ये सक्सेस हो चुका है। ओके तो ये ऐड हो जाएगा, ओके पे करेंगे एक ओटीपी आती है। तो इस तरीके से जो आप ट्रांसफ़र बैलेंस करते हो, सबसे पहले आपको एक ऐड अकाउंट करना होगा जिसमें आप भेजना चाहते हो, ट्रांसफ़र करना चाहते हो अकाउंट, तो यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है और ओटीपी को हम यहाँ पे डाल देते हैं 5450 और सबमिट पे ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद में आपको नीचे की डिटेल दिख जाएगी, इसको ओके कर दिया है। जब आप यहाँ पे चेक करोगे फेवरेट पे, तो यहाँ पे आपको दिख जाएंगे फेवरेट पे, आप फेवरेट पे जाकर अपनी फेवरेट लिस्ट अगर आपको कोई है उस पर स्टार्टिक होगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखेंगे, और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्लियर लिंकिंग वाला, और उसके बाद कोई और ऑप्शन होगा तो उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे स्टोर और हिस्ट्री पे जाकर आप हिस्ट्री चेक कर सकते हो कब से कब तक की। आप कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे ट्रांसफ़र पे आएंगे तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। मान लीजिए हमने यहाँ पे अभी कुछ डिटेल एक्टिवेट की थी, यहाँ पे लिखा हुआ है पेंडिंग में चल रहा है, तो हम फिर दोबारा से पीछे चले जाते हैं, कुछ इस तरीके से जाएंगे और नीचे आएंगे तो सर्विस आप चेक कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो, यहाँ से सेटिंग को आप कर सकते हो, टर्म कंडीशन को कर सकते हो, यहाँ से अबाउट बैंक का अबाउट उसके बारे में जानकारी चेक कर सकते हैं। तो सेटिंग में जाओगे तो सेटिंग में ज़्यादातर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे करंट एम पिन है, न्यू एम पिन और कन्फर्म, मतलब करंट आपका करंट है जो अगर आप एम पिन चेंज करना चाहते हो मान लीजिए, तो आप यहाँ से करंट मतलब जो फिलहाल का एम पिन है न्यू, यहाँ पे न्यू डालेंगे, दो बार कन्फर्म करेंगे, सबमिट पर ओके कर देंगे। तो उसके बाद होता है एक्सपेंस मैनेजमेंट, इसको अगर नोटिफिकेशन है इसको आप ऑन रखेंगे तो अगर यहाँ पे कोई भी आपकी सुविधा अगर आप लेते हो तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ऊपर वाले सबसे ऊपर अकाउंट पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा सबसे फिर दोबारा से ही यहाँ पे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो आज की वीडियो हो जो इस टॉपिक पे हमने बनाई है तो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों का, सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपका वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और सपोर्ट करें। आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, गर्मी के दिनों में भी किस तरीके से अपना वीडियो बनाता हूँ और मुझे 1 से 2 घंटे लगते, पहले भी बताया था, वीडियो बिल्कुल जेन्युइन है, बिल्कुल इन्फॉर्मेशन जो भी आपको मैं देता हूँ वो सही है, बिल्कुल सही है 101%, और उसको आप एक बार इस्तेमाल करके देखें आपको तभी पता चल जाएगा कि ये सही है गलत है, जेन्युइन है फेक बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। तो आज की वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, दोस्तों से शेयर करते हैं। आज के लिए बस इतना, जय हिंद। हाय दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो।